मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर भारतीय को ये विश्वास है कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और जितना विश्वास उसे देश पर है उतना ही खुद पर भी है। हर भारतीय सोच रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात TV9 के दर्शक भी नोट करते होंगे कि अनेक लोगों का प्रिडिक्शन जहां अटक जाता है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके हमने दिखाया है। साथियों, आज इस माइंडसेट और ट्रस्ट में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार का वर्क कल्चर है, गवर्नेंस है। वही अफसर है, वही ऑफिस है, वही व्यवस्था है, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं, देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है। साथियों, भारत के विकास को गति देने के लिए, बिग लीप लेने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जिस गियर पर पहले भारत चल रहा था उस गियर को बदला जाए। पहले ही सरकारों में भारत किस तरह रिवर्स गियर में था, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यूपी में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। ये परियोजना 4 दशक तक अटकी रही। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना को तेजी से पूरा किया।